जगह पहुंच गए हैं जहां पर हॉस्पिटल थे पहले, जहां पर चेकअप करवाया है यहां पर, तो अभी जाके चेक करवाना सब भी अच्छे तरीके से अल्लाह पाक देना बेहतर करेगा। मैं तो आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे मत कहते हैं, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, घर में सब ठीक ठाक है। अल्लाह की मेहरबानी है, सुबह सुबह का टाइम है, हमारी वीडियो भी शुरू होगी माशाल्लाह। अभी जो है मैं ना टुकड़े लेने जा रही हूँ गाय को डालने के लिए। अच्छा, डाल भी ये टाइम था, इस टाइम टुकड़े लेने गई तो बिच्छू ने काट लिया। हाँ, आज ख्याल करना ना, आप भी देखभाल के जो भी काम करते हैं देखभाल के किया करो। देखती तो वो छोटिया छोटिया चीजें होती है ना, वो नजर जल्दी कर लेती हैं। उस दिन भी ऐसे ऐसे वो बोरा भी पीला था और वो बिच्छू भी पीला था, वो तो बैठा मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ, अंदर अंधेरा था ना। ये ऐसी चीजें होती है, छुपी होती है, फिर रात को कैसे इधर निकले होते हैं बल्लब के नीचे मारते हैं उनको। इसलिए ना वो अभी जा रही हूँ घर पे जाना। आज सही हो गया अंकल? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी दूध भी निकाला है, गोलियां भी थी, चार खुराकें थी, अभी भी खाना मैंने एक खाई है बस, वो जो दर्द खत्म हो गया तो फिर अब से ना हाँ कुछ चम्बक जाती है। अच्छा, ऐसा कोई फायदा नहीं खाने का। चलो जैसे आपका दिल करे। ठीक है ठीक है, करो। माशाल्लाह जी, इधर देखे साकिब को चूरी खिलाई जा रही है। ए, क्या खा रहे हो साकिब? नहीं, मिर्ची नहीं खानी, ये देखो आपके लिए बनाया हुआ है, देखो मीठी चूरी साकिब। क्यों चूरी मत खंदा खाने? आपको बताया है उसने? अच्छा नहीं, अभी वो हसीब और कमरान ने रोटी खाई है तो उनके साथ खाता रहा ना। अच्छा अच्छा, रज्जा हुआ है, फिर ये रख दो बाद में खिलाना। साच साकेब चूरी खा ली? तो वो इनको डाल रहा था इधर, बिल्ली को डाल रहा है। वो ऐसे ही करता है, डालो बिल्ली को डालो, कहता है जो भी बिल्ली को डालो, डालो बिल्ली को, वो खा रही है। खा रही है बिल्ली? अगर बताओ बिल्ली खा रही है। साकेब खा लिया है? छुप के आया अभी, ऐसे वीडियो नहीं बनाने देता, कहता है मेरी वीडियो ना बनाओ। देगड़ी में रखा करो। किसने रखा? आपने रिजवाना? हाँ जी, स्टील वाले नहीं रखते। आग तो आग ही होती है ना, सारे खराब हो जाते हैं, अंदर से सारे काले हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। हाँ, स्टील ऐसा नहीं होता, स्टील सड़ जाता है। और रूम के अंदर आ चुका हूँ, ये देखे सोफिया जो है ना सफाई में लगी हुई है, सफाई कर रही है अलमारी वगैरह की और ये पेटी वगैरह की, जहाँ पर धूल वगैरह होती है ना, झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाने से ना धूल काफी हो जाती है, इसलिए ना सोफिया ने कहा कि मैं जाके जरा जल्दी जल्दी कपड़ा लगा दूं, सफाई कर दूं, चमका दूं अपने अलमारी को। हाँ, चमका दिया है, वो धूल थी सारी, वो सफाई कर ली है, वो सारी धूल उतर गई है। अच्छा, हाँ जी, सारी जितनी भी थी सारी सफाई कर दी। अच्छा, अच्छा जी, आपने दवाई खा ली? हाँ मैंने खाई है, ये देखे अभी भी गिलास मौजूद है, ये मैंने खाई है, वो फक्की भी खाई है और जो निहार में कैप्सूल खाना होता है ना जो डॉक्टर से लेके आते दवाई, वो भी मैंने खाई है। हाँ, आपने खा ली है या सुबह नहीं होती? सुबह खाने के बाद होती है। चलो चलो, खाना नाश्ता करना तो फिर बाद में। हाँ जी, नाश्ता करने के लिए है भी कुछ भी नहीं। क्यों? ना ही प्याज है, कल एक प्याज था वो मैंने सालन में डाला, और ना ही वो सालन है, बल्कि रात को इतना सा बचा के रखा, वो भी अम्मी ने इसके आना के वो सुमिया के लिए। अच्छा, अपने लिए रख लिया करो ना, आपको पता है जब रात को, आपको पता है मैंने जो है ना थोड़ा थोड़ा दे कर पूरा किया था, जितने कद्दू थे उतना ही सालन होगा। फिर भी उसी टाइम बचत होती है, सारी खोलियों से बचत आ जाती है। नहीं, तो रात किसी ने भी नहीं बचाया, वो थोड़ी सी इरफान भाई ने बचाई तो अम्मी ने बुलाया के ये रख दे समिया के लिए, सुबह को उसको नाश्ता देंगे, तो अभी वो सखिया दे रही है उसको नाश्ता। आपको पता है फिर उसको प्याज दे तो उसका मुँह फूल जाता है। हाँ,
छाले हो जाते हैं, फिर वो खाना भी नहीं खा पाते, इसीलिए जाना उसके लिए तो रखते हैं। चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ करते हैं, इसलिए मैं वो आलू लेके आता हूँ ना, आलू मुझे लेके मना किया गया है खाने। और इधर करीब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बंदा नहीं है जो छोले बेचता हो। कोई बात नहीं, खा लेंगे दोपहर में। चलो देखेंगे, कुछ तो खा लेंगे। देखें जी, लड़े हुए हैं ये लड़के हमारे, लड़ाई कर रहे हैं, बिजलियाँ भी तोड़ते हैं। या क्यों आप लोग ऐसा करते हो हैं? असीब नहीं करता मैं। आप तो अभी ला रहे थे बेचारे कमरान को, देखें वो तो अपने डाकुन उतार रहा था पैरों से। आपकी शरारत है मुझे पता चल गया है, सारी आप शरारतें करते हो, है ना कमरान? हाँ जी। इसी ने किया है ना? हाँ जी। हाँ जी, बाबू बड़ा शरीफ है, शरीफ समझते थे लेकिन है नहीं। देखो ये जब भी देखो ऐसे लड़ाई आप लोग करते रहते हो, लड़ने से क्या मिलता है? हाथ हौले हो जाते हैं, ऐसे भारी हुए होते हैं वो, हाथ हौले काम पे करने होते हैं, ऐसे काम करके दिखाओ कि हाथ हौले हो जाते हैं। हौले हौले काम करते हैं इसलिए हाथ भारी रहते हैं, भारी काम करो पता चले। अच्छा चलो और सुनाओ, बिल्कुल ठीक हो? लकड़ी लेने जाओगे? हाँ। छुट्टी कर दी क्या? नहीं नहीं, लकड़ी ले आया करो, तीन चार दिन बाद चलो एक फेरा ले आया करो तो घर का गुजारा तो होता रहेगा। गद्दा रेडी पे और कहाँ पे? जंगल में नहीं होती क्या? जंगल में और लकड़ी ना हो ये हो ही नहीं सकता। साकिब की शरारतें चेक करें जी, सब देख देख के आस रहे हैं, पानी जहाँ पे हो वहाँ पर ही जाके खेलता है। देखो वे वे कपड़े गंदे कर रहे हो हैं? कौन है? आपको कोई नहीं उठाएगा, ऐसे बैठे रहो। कोई नहीं उठाएगा, बाबा भी नहीं उठाएगा। अब ये उतारने लगा है। हाँ कपड़े गंदे कर लिए, अब क्या करोगे? उतार दो कपड़े। मुनीब छोटा था जैसे एक करता, मुनीब भी ऐसा करता था। अच्छा। जो मैले कपड़े पत्र बताते हुए देखे उठाने लग जाती है, ये गंदा बना होता बंदा। अच्छा हाँ, गंदे कपड़े का लिए गंदा। मुनीब ने घुट्टी दी है ना। चलो यार इधर आ जाओ, ओए चलो इधर आओ, इधर आओ, भाग के आओ। ऊपर चल रहा है। हाँ शाबाश। क्या हेलो करो, हेलो हेलो हेलो। नहीं कोई हेलो शेलो नहीं है। चलो ले आओ, ले आओ चाय। साकिब, साकिब कहाँ है? छिड़कना चाह दे। एक हाथ से चिपका हुआ है, उधर डाल रहा है। नहीं 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 नहीं, फेंकना ना, फेंको ना फेंको, ऐसे खेलते रहो। अच्छा और सुनाया अबू जी, तबीयत बिल्कुल ठीक है? माशाल्लाह आज मौसम अच्छा है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है। मौसम तो चेंज हो रहा है, दिन बादन चेंज हो रहा है, रात को थोड़ी ठंड होती है जी जी, दिन को गर्मी भी कम हो रही है। सही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम सेट हो गया जी जी। पहले जो जितनी गर्मियां थी ना, इधर रहना मुश्किल था, मुश्किल रहा जाता है, सर्दियां भी इतनी हो जाती हैं, फिर गर्मियां भी समझ नहीं लगती। चलो जैसे कैसे दिन गुजर जाते हैं जी जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने जो भी मौसम बनाए हैं जी उसकी रहमत है अल्लाह पाक। आमीन आमीन। मौसम चेंज करने की तौफीक दे, आमीन।
इंशाल्लाह। अच्छा, और हमारा जो है ना, हाँ रात को बात चले थे फिर मुझे इधर भेजने की, कोई है बंदा जो आप बता रहे थे इधर 31-32 तक में मेरे जो ये। अच्छा, उधर वो पठों के लिए। हाँ, जिस डॉक्टर के पास भी गए हैं ना, आराम तो आया नहीं है। कोई 70 जगह तो हमने देख ली। हाँ, जहाँ भी कोई बताता है हम चले जाते हैं, जहाँ कोई बताता है चले जाते हैं जी। अब भी इतनी सारी दवाइयाँ खा रहे हैं आप, फिर भी अगर उधर जाएं और कोई दवाई दे दें तो सारी कैसे इकट्ठी कर खाएंगे। मैं तो ये सोचता हूँ ये दवाइयाँ ना कोई खराब कर दें। क्या पता, वो देसी दवाई भी मैंने नहीं छोड़ी, वो भी खा रहा हूँ, ये जो अभी लेके हैं ये भी खा रहा हूँ, सारी दवाइयाँ, और दो ये खा रहे हैं, तीसरी वो भी उधर से भी कोई दे दे। मैं तो कहता हूँ ये दवाइयाँ ख़त्म कर लें। हाँ हाँ, चलो एक देसी या दूसरी ख़त्म हो जाएगी तो फिर उनके पास जाएंगे, हो सकता है वो कोई और दवाई दें या कोई ऐसा वो टूना होता है करें या देखभाल करें, अभी वो क्या मसला है। अगर जाना है तो मैं कह देता हूँ भाई से, वो आज तो गया होगा काम पे। अच्छा, सुबह ले जाएगा। नहीं, हमें तो अपने तकलीफ से मतलब है ना, वो दर्द तो वैसे होता है, दवाइयाँ महीना ना ख़त्म हो तो तकलीफ से मतलब है, लेकिन ये ज़्यादा दवाइयाँ भी नहीं खाने जी। सारी दवाइयाँ मिक्स हो जाती हैं, गर्म दवाइयाँ हैं, गर्मी गर्माइश की दवाइयाँ ही देते हैं ना ये। अब ऐसा करे जो हकीम साहब वाले ना, हाँ, देसी दवाई वो अभी रख दे। अच्छा, ये भी खा, अंदर फर्क आ जाए तो वो भी बाद में खा लेना, होता है पट्ठियों की। हाँ हाँ, ये मसले की तो नहीं है ना, वो भी पट्ठों के बाद में खा लेना। वो एक तरतीब से खा रहे हैं फिर छोड़ दें, फिर कोई फायदा नहीं है। ऐसे ये बेखा रहे, वो बेखा रहे, ज्यादा कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। जो महीना पूरा खाना है डेली जैसे रूटीन के मुताबिक वो खानी होती है, ऐसे नहीं है कि एक दिन खाएं, चार दिन ना खाएं, फिर दो दिन खाएं, इस तरह कोई फायदा नहीं होता। क्या बात है, ये वो तो डेली रूटीन खा रहा हूँ ये। वाह 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 वाह, ऊपर भी आ गए हो कपड़े गंदे करके। मेरे कपड़े गंदे करने आए हो? चलो नहाओ, सोने कपड़े पा के आओ। जाना हो तो उधर वो शाम को ना उसे बताना, फिर सुबह इस टाइम तो जानवर माल है वो तो शाम को बात करेंगे ना। मैं जाता हूँ ना उधर शाम को, वो भी जानवर लेके आते हैं उधर बाने में जी जी, तो उनसे कह दूंगा अगर जाना है तो सुबह फिर चले जाना। चलो आज कह देना, ठीक है यार। हम तो कोशिश कर रहे हैं ना जी जी, अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से शिफा दे दे, किसी के हाथ में शिफा रखी हो अल्लाह पाक ने। बिल्कुल, कोशिश तो करनी चाहिए। हाँ, ये कोशिश है कि आप तक कहाँ से हमें शिफा मिलेगी। हाँ, नहाने जा रहे हो? चलो जाओ जाओ। क्या हो गया, क्या हो गया, शरारती बच्चे, क्या हो गया? कमरान रोता है। कमरान रोता है? कमरान दिलेर बंदा, दिलेर नहीं, जो काम बता है रोने लगा। नहीं नहीं, कमरान भी काम करता है, आप भी करते हो, सब काम करते हो माशाल्लाह। साहब आप भी देखो ना, ये काम जो किया दोनों ने मिलके किया है ना, खोती पंजाला, तो फिर वो कैसे रोता है? वो रोता तो वो आता ही ना। नहीं, एक दिन मैंने उसे कहा कि वो जानवरों को पानी पिलवा लो। हाँ, ये रोने लग गया, नहीं मैं नहीं जा रहा, तो इसलिए। लेकिन बात ये है कि आप गए नहीं हो पानी पिलवाने, आप रोए हो। वो इसको बोला उस... नहाने जा रहा था। अच्छा, अम्मी ने कहा दोनों मिल के पिला लो, फिर आप भागने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये काम आप दोनों ने मिल के किया, तो आप दोनों काम करते हैं, चलो ठीक है। ये छोटी खोती को साथ ले जाते हो या इधर खड़ी रहती है? ऐसे बत्ती रहती है। चलो चलो, साथ रहती है, ठीक है ठीक है, जाओ भगाओ। आप क्यों खड़े हो? मैंने तो अपने के साथ जा रहा है। अच्छा अच्छा, ये कामरान ले जाएगा। चलो, ये जी खोती कामरान लेके जाएगा, घास काटता है। मुनीब मुनीब भी पता नहीं पहुंचता है या वो अब गायों के साथ। वो कह रहा है आज मैं नहीं आऊंगा। आज नहीं आएगा? अच्छा। अकेला आप पर डाल देता है,
पहले तो चलो वो कटवा लेता था, चलो कोई बात नहीं, जाओ काटो ले आओ। हसीब अम्मी के साथ जाएगा दूसरा घास लेना, कपास वाला जो घास होता है। और चलते हैं जी, आज जानवर वगैरह देख लेते हैं कि क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं या नहीं खा रहे। बछड़ियाँ वगैरह भी खड़ी हुई हैं, वो देखें जो न्यू गाय है ना, उनके भी बछड़े हैं, दो हैं वो भी खड़ी हैं, एक बछड़ा है और एक बछड़ी है। सफ़ेद जो सामने वाली है ना ये बछड़ी, और दूसरी साइड पे जो खड़ा है वो बछड़ा, और ये पहले वाले दो खड़े हैं। ये हो गए और बाकी ये हो गए माशाल्लाह, ये भी घास खा रहे हैं इस बंदर पे। इधर वाले तो चन्ने गए हुए हैं जो उधर अंदर ढकते हैं, और ये इतना सारा देखें गोबर होता है, अम्मी सब साफ भी नहीं कर पाती हर जगह पे, वो देखें ढेर लगा हुआ है। फिर ये सारा अम्मी घास पे जाती हैं, फिर आती हैं तो गर्मी हो जाती है, इसलिए ये कर भी नहीं पाते, बहुत ज़्यादा जो है ना काम हो गया है। ज़्यादा जानवर हों तो ऐसे ही होता है, ज़्यादा गोबर होता है। तो ये अभी वो जोड़ी भी घास खा रही है और ये अभी। हाँ जी सोबिया, आप चाय बना रही हो? नहीं दूध उबाल रही हूँ। अच्छा, चाय ऊपर चढ़ा दूंगी, गर्म हो जाएगी। अच्छा अच्छा, पहले दूध उबाल के फिर बाद में चाय रख दोगी? हाँ। फिर नाश्ता करेंगे, चाय गर्म हो जाएगी फिर। ये गाल है? नहीं, चाय गर्म करके नाश्ता दे दूंगी। और किसके साथ करोगे? चाय के साथ ही करना है। हाँ, गर्म हो जाएगी फिर नाश्ता कर लेंगे। आग नहीं जल रही? नहीं, सारा धुआं है, हवा है ना तेज, इसलिए ये चारों तरफ से खुला है ना किचन, तो हवा क्रॉसिंग करती है इधर से, ज्यादा लगती है। वो कभी इधर से हवा आ जाती है, कभी इधर से आ जाती है। ऐसे तीलियां लगाती रहो, ये वाले सूखे डालो, ये जो लाने की काठी है ना, ये सूखी है, लग गई है, लग गई। ऊपर से आप देख के चढ़ा दो, हाँ फिर हवा आने लगेगी, फिर आग नहीं बुझेगी। देखो कैसे तेज हो गई है। हाँ जी, इसमें जो ना कुछ और डालती हूँ कि ये बनती रहे। जी जी, ये लो ढकना, जकिया ले आई है। चलो जकिया बर्तन धो। हाँ केज ले दो, ऐसे रोटी खा के धोगी? अच्छा, अभी समिया को दिया नहीं है रोटी? चलो ठीक है। और माशाल्लाह जो है ना कपड़े धोने की बारी आ चुकी है, ये देखें टप वगैरह पानी से भरे जा रहे हैं, और नहाने वाला साबुन भी आ चुका है। नहीं, साथ ही को नहलाया है। मैंने कहा इसी से कपड़े धोने हैं आज। नहीं, वो रखा। अच्छा अच्छा, ये भी रखा है जी, ब्रश और साबुन, ये उठा के सारे कपड़े जो है ना ढेर लगा दिए हैं। दो दिन नहीं धोए? आप लोग भी जल्दी जल्दी इतने सारे जमा कर लेते हो कपड़े? थोड़े से थे तो कल धो लेते, आज थोड़े होते ऐसे। हाँ। थोड़ा टाइम लगता है ना, थोड़े थोड़े धोने। अच्छा, कल आज उतारेंगे। अच्छा, आज उतारेंगे फिर धोएंगे। सही, कल उतारा। चलो चलो कोई बात नहीं, अब धो लोगे, इतना मुश्किल तो नहीं है। भिगो के रख दोगी, फिर साबुन एक बंदा लगाता जाता है, एक बंदा ब्रश, एक बंदा फिर घालता जाता है। चलो सही बात है, धुल जाएंगे जिस टाइम पे धुलेंगे। जी जी, सोने बन गए हो, नहा लिया? कंघा किधर किया? नीचे फेंक दिया। कंघा तो नीचे फेंक दिया, अब क्या लगाओगे? ओए ये है, चलो चलो लगाओ, चलो कंघा लगाओ सर पे, उठा के लगाओ। देख रहा है, चलो चलो चलो, शाबाश, नहीं तो आपकी मम्मा तेल लगा देगी। वो देखो तेल लगा रही है, आपने कंघा नहीं किया ना, अभी तेल लग रहा है देखो। हाँ, सुबह सुबह जब सुबह वाली अजान होती है ना, उस टाइम उठ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हसीब उठो, देखो अब्बू की कॉल आ रही है, वो देखो कौन है, तो उन्हें दे दो ताकि वो बात कर लें, सुन लें उनकी बात। वही साके मेरा पुत्र बातें क्यों नहीं करते? बाबे का मोबाइल बज रहा है, फोन आया हुआ है। ओके, कॉल लेना। हाँ जी,
अभी इस टाइम ना इसको नींद आने लगती है। हाँ जी, हाँ जी। मेरी माना को बोला जब तक आप कपड़े भी धो के रखे मैं इसको नहला के सुला देती हूँ। जी जी, ये सोता रहेगा फिर कल भी ऐसे खेलता रहा। क्या हुआ, इसमें दूध नहीं है? हाँ दूध ले आते हैं। ए, क्या खाया है, क्या खाया है, क्या खाया है पप्पा, क्या खाया बताओ बब्बा? वो नहीं, वो ढूंढ जाएगा, आप इसको उठाओ। चलो, ये किसी की सुनता नहीं है, बस अपनी मचा के रखता है। हाँ। अब ये नहीं कर क्या करूँ इसको, दूध ले आती हूँ। दूध पीना पकड़ो पहले। चलो ये भी पकड़ो। इसको क्या करो, इसमें दूध नहीं है। चलो बैठ। चूहा गंदा। चलो ठीक है, तो तैयारी करा के सुला दो। जैसा कि प्यारे व्यूअर आपने देखा है कि हम सुबह की रूटीन दिखा रहे थे और अचानक से जो है ना सोबे ने बताया कि मेरी तबीयत जो है ना कल से ठीक नहीं है, कोई मसला लग रहा है तबीयत में। तो मैंने कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो आपको पता है ना हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पर लाला डेरा में, वहाँ ही जाना पड़ेगा। तो अभी जो है ना सोबिया को मैंने कहा आप तैयारी करो, मतलब फ्रेश फ्रेश हो जाओ तो चलते हैं। अम्मी अबू को बताया तो उन्होंने कहा जाके चेक कराएं, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह, तबीयत ठीक हो जाएगी। पहले भी वैसे 10 दिन की दवाई ले आए थे तो वो भी कल तक, शायद आखिरी दवाई ना कल तक। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, तो कल के बजाय आज हम जा रहे हैं एक दिन पहले इंशाल्लाह। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, अल्लाह पाक खैर करेगा। और चाबी मैं ले आया हूँ बाइक की, तो फौरन चलते हैं। ठीक है, फिर अबू ने बोला कि टाइम से हो आए, फिर मैंने जाना किसी काम से भी जाना है। हाँ अबू ने जाना है उधर मेरे ख्याल में बहावलपुर, सुबह फ़ोन आया हुआ था किसी का, तो वो कह रहे थे कि चक्कर लगाओ या डेरा बखाया बहावलपुर में, कहीं से आया था फ़ोन। तो अभी पूछता हूँ कि आपने कहीं जाना है ज़्यादा टाइम, हमें क्या अब तक थोड़ा सा और लग जाए टाइम, मतलब कोई चीज़ खाने पीने में, तो वो फिर कॉल करते रहे। उनसे पहले पूछ लेता हूँ, हाँ तो इंशाल्लाह मैं अभी पूछ लेता हूँ। हाँ पूछ ले, अगर टाइम ज़्यादा लगे तो फिर वो देर से जाए तो फिर जाना टाइम से आ जाएंगे। जी जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी जगह पहुंच गए हैं जहां पर हॉस्पिटल थी पहले, जहां पर चेकअप करवाया है यहां पर, तो अभी जाके चेक करवाना सोबिया अच्छे तरीके से, अल्लाह पाक देना बेहतर करेगा। मैं तो आपके साथ है, तो आपको पहले वाली पर्ची भी देता हूं, वो भी ले जाओ और इंशाल्लाह सब ठीक होगा, टेंशन नहीं लेना। चलो अंदर चलो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच चुके हैं, हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं हम लोग। और ये देखें सेब वगैरह लेके आए थे, तो अम्मी को दिया है कि काट के सबको बांट दें। हाँ जी, तो अम्मी जान काट रही है। सबके लिए लेके आते हो, उसको खिलाओ। नहीं मेरे हैं सेब, ज्यादा बड़े थे ना, देखें वो तीन उसने रख लिए, फिर ताजे लेते रहते हैं। हाँ जी, फिर वो नरम हो जाते हैं फूले फूले, ये फिर ऐसे साफ साफ होना, ये खा ले फिर और मंगवा, चक में तो मिल जाते हैं ना। हाँ हाँ, हॉस्पिटल से यही कहा गया कि चलो अच्छा करते हैं आप लोग जो है ना टाइम पे आ जाते हैं, चेकअप करा लेते हैं। सही बात है, सही है, कोई भी तकलीफ हो कोई मसला हो तो चेकअप कराना चाहिए। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला तो नहीं बताया ना खास। जी जी खास नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं बताया, उन्होंने कहा नहीं ये बात है मेरे हाथ में, अभी अभी तक खाओ, अभी तो ले लो, अम्मी जान दे रही हैं तो। हाँ जी, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। हाँ उन्होंने कहा पानी की बहुत ज्यादा कमी है और 5 दिन की दवाई दी है, ये खाएं और पानी ज्यादा पिए, लगभग तीन किया करो। हाँ पानी जितना हो, पानी से क्या होता है। हाँ, जकिया उधर ही है दूसरे रूम में, इस्ताना जकिया कहाँ गई, उधर बैठी है। जकिया नहीं सुनेगी।
चलो ठीक है, दवाई अपनी जो लेके आए वो टाइम पे खानी है आपने। हाँ, ये दवाई। ये चाबी अभी, हाँ ये खानी है आपने टाइम पे बस। जी मैंने कहा वो एक दिन की और रखी हुई है, उसने कहा वो खत्म करके फिर ये शुरू कर देना। ठीक है ठीक, ये दो टाइम खानी है और ये भी दो टाइम खानी है। ये तीनों दो दो टाइम खानी है। शरबत तो पहले से रखा था, वो दोबारा दे रहे थे लेकिन हमने कहा है घर में। हाँ, एक से सिर्फ दो तीन ढक्कन बचे हुए हैं तो एक अभी पूरी रखी हुई है। हाँ, वो एक पाँच दिन में खत्म करनी थी, दूसरे भी पाँच दिन। नहीं, उसने कहा था कि टाइम पे नहीं पीती जा। दो टाइम पीनी थी, दो टाइम पीती हूँ। उसने कहा ये मुस्तकिल पीती रहना, ताकत की दवाई। उसने कहा ये पीती रहे शरबत। नहीं कह रही थी कि ये दो हैं, ये दोनों दस दिन में इसने दवाई दस दिन में खत्म करनी थी। और वो शर्फ तो उन्होंने कहा है कि पीती रहे जितने दिन के हों, बता कर किया। चलो ठीक है।